हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सुंदर सा पैटर्न सिखा रही हूँ, जिसे आप कान्हा जी का ब्लैंकेट पैटर्न, चादर, स्कर्ट, कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो कान्हा जी के लिए आप बनाना चाहें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने 3 कलर का ऊन लिया है और ये 3 mm का क्रोशिया लिया हुआ। सबसे पहले मैं सफेद से बनाऊंगी, व्हाइट से। यहां से शुरू करूंगी। इस तरह से एक लंबी चेन बना लें, जितना बड़ा जिस साइज का आपको चाहिए। इस पैटर्न से आप शॉल, मफलर, ये भी बना सकते हैं, अगर आप जो बनाना चाहें। अगर आपको पैटर्न मतलब बेसिक आता है तो इस पैटर्न से ये सब भी बना सकते हैं। तो इस तरह से एक लंबा चेन जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा ले लें। तो यहाँ मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, पांचवे में हम यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ 1, 2, 3 चेन, फिर इस सेम होल में एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। फिर यहाँ फंदा लें हाथ में, यहाँ 1, 2, 3, 4, चौथे में हम यहाँ वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ 1, 2, 3 चेन, सेम जगह में डबल क्रोशिया। तो ये बी शेप का बन रहा है इस तरह। फिर यहाँ से ले फंदा, यहाँ से 1, 2, 3, 4, चौथे में यहाँ एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 1, 2, 3, इसके अंदर डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से जितना बड़ा आपने लिया है उसी हिसाब से इस तरह से बनाते हुए पूरा वी शेप हम चले जाएंगे। उसके बाद का डिज़ाइन मैं आगे दिखाऊंगी किस तरह बनेगा। तो यहाँ तक मैंने बना लिया पूरा, और एक इसी बगल में इस चेन के यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ से हमारी लाइन सीधी रहेगी इस तरह से पूरा। तो ये बन गया। अगर आपको धागा एक्स्ट्रा लगता है ये चेन, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे धागा सिलाई या बॉर्डर में चला जाता है। तो जैसे ये मैं कट कट दे रही हूँ, और फिर यहाँ से अभी हम खींच लेंगे इस धागे को, ये निकल गया। इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये खुलेगा नहीं, यहाँ नॉट लग गया, तो पूरा एकदम बराबर का हो। तो यहाँ धागा मैंने बड़ा कर दिया है। इसके बाद मैं इस सिरे से शुरू करूँगी, यहाँ से इस धागा को कट नहीं करूँगी। तो यहाँ से देखें 1, 2, 3 जो तीसरा है इसमें हम धागा ऐड करेंगे यहाँ से इस तरह से। फिर इसको हम इस पार कर लेंगे और बुनेंगे एक, वापस से हम इस साइड ले आएंगे। इससे क्या होगा, धागा खुलेगा नहीं। 2, 3 फिर यहां से हम इसके अंदर बुनेंगे। ये हो गया हमारी लाइन सीधा रखने के लिए 1, 2, 3 3 डबल क्रोशिया इसमें हम बुन लेंगे इस तरह से, ये होगा। फिर यहाँ
एक चेन लेंगे, इसको छोड़ देंगे वी शेप को, इसके नीचे वाले वी शेप में कुछ नहीं, ऊपर वाले में वापस से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में अगली में बुनेंगे, एक चेन लेंगे, वापस से नीचे वाला छोड़ देंगे, ऊपर वाले वी शेप में बुनेंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी ये लाइन कंप्लीट कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे का डिज़ाइन मैं आगे बताऊँगी किस तरह से बनाना है इसको। यहाँ तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ पूरा ये लाइन। उसके बाद हम इसे छोटा करेंगे और इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे, और इस धागे को हम यहाँ खींच देंगे, और ये ओरेंज धागा हम कट कर देंगे क्योंकि हम आगे दूसरा कलर लगाएंगे इसके बाद। तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ से हम अपना सफ़ेद वाइट उठा लें, फिर यहाँ से 1 2 3 ही लेंगे, फिर यहाँ से वापस घूमेंगे, इस साइड में टर्न लेंगे, यहाँ से उस धागे को भी साथ में लेंगे, फिर यहाँ से हम सेम जगह में यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से फंदा लेंगे और हम इस वाले होल में आएंगे, यहाँ यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 3 बनाएंगे, फिर सेम जगह में आएंगे, वापस से यहाँ वी शेप रेडी करेंगे यहाँ, फिर यहाँ से लेंगे, इसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे 1 2 3, फिर लेंगे सेम जगह में बनाएंगे 1 9, यहाँ कोई चेन नहीं होगा, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ वी शेप रेडी करेंगे 1 2 3, फिर इसमें बनाएंगे 1 यहाँ से लेंगे। इसी तरह से ये पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इजी पैटर्न है, लेकिन बनाने में बहुत ही सुंदर लगता है। चाहे आप शॉल बनाएं, कान्हा जी के लिए शॉल बनाएं, अपने लिए बनाएं, ब्लैंकेट बनाएं, सब बहुत ही प्रिटी लगता है। तो इस तरह से ये लाइन में कंप्लीट करूँगी, एक बार आगे का डिज़ाइन आगे बताऊँगी। तो यह कॉर्नर में आ गए, अब यहाँ से इसके ऊपर में यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बस एक चेन लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ इस तरह से बनाएंगे, लाइन हमारी सीधी रहे। और इसको हम यहाँ इस तरह से भी रख रहे हैं, लेकिन अब हम इसी साइड से बनाएंगे, यहीं से लगाएंगे इस जगह से, क्योंकि ये वाला हमें सीधी साइड से ही बुनना है। जैसे यहाँ से उल्टा पड़ा तो मैंने यहाँ से, जैसे यहाँ से उल्टा पड़ा अंदर से इस जगह से, तो मैंने इस साइड से सीधा साइड से अपोजिट साइड से बुन दिया, लेकिन इस बार हम यहाँ राइट साइड से आ रहे हैं यहाँ, तो मैं राइट साइड से बुनती हुई जाऊँगी, यहाँ कट कर दूँगी, वापस से यहाँ से ले जाऊँगी। लेकिन अगर जब ये हमारा बनाने का ये लाइन उल्टी साइड आएगा तो भी हम अपोजिट साइड से यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ ले जाएंगे। अभी मैं यहाँ से शुरू करूँगी, तो यहाँ इसके अंदर लेंगे धागा, सफ़ेद को यहीं छोड़ देंगे, और यहाँ से हम इसे पकड़ लेंगे, यहाँ से 1 2
3। तो इस बार धागे को मैं यहाँ पकड़ लूंगी और हम इसमें 3 बुनते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 बुनेंगे। एक हमारे लाइन का हो गया और यहाँ हम एक और बुन लेंगे सेम जगह में। फिर यहाँ एक चेन लेंगे और इसके अंदर में वापस से इस धागे को अभी यहीं छोड़ देंगे हम। यहाँ 3 डबल क्रोशिया बुन लेंगे इस तरह से बुन लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में भी हम बुनेंगे 3 डबल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ जाएंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट में एक चेन मैंने लिया हुआ है, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे और जो यहाँ है कॉर्नर में यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस जगह। फिर आगे मैं दिखाऊंगी किस तरह से लेना है। यहाँ एक चेन और किनारे यहाँ कॉर्नर में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये सीधी लाइन के लिए इसके अंदर में 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बना के एक चेन बना के हम यहाँ कट कर देंगे, क्योंकि इस धागे को अभी हमें नहीं रखना है। तो यहाँ हो गया, क्योंकि देखिए कितना खूबसूरत प्रिटी सा ये डिज़ाइन आ रहा है। ये किसी भी चीज़ में, मफलर में है, स्वेटर में, जैकेट में और कान्हा जी के लिए तो बहुत ही प्यारा ये बनेगा ब्लैंकेट। अब यहाँ से हम तीसरे फंदे से, तीसरे चेन से वापस से उठा लेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ से इसमें जाएंगे। फिर 1, 2, 3 वी से, फिर यहाँ से लेंगे इसके अंदर जाएंगे 1, 2, 3 फिर सेम जगह में फिर इसके अंदर 1, 2, 3 इस तरह से बना लेंगे। यहाँ तक लाएंगे और फिर हम उल्टी साइड से इस वाले को फिर से बुनेंगे। यहाँ इसको यहाँ ख़त्म करेंगे, यहाँ सफ़ेद छोड़ देंगे और ऑरेंज वाला हम यहाँ से उठाएंगे इस जगह से, इसको इस तीसरे चेन से लेंगे और यहाँ से पूरा कंप्लीट करें। इसी तरीके से जितना भी बनाना है पूरा बनाते हुए चले जाएंगे। एक सुंदर सा पैटर्न आपका रेडी है। आप जिस भी आकार में डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, मफलर ब्लैंकेट पैटर्न जिसमें भी। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।